पास्ता तो आपने खाए होंगे, कभी व्हाइट सॉस के साथ, कभी रेड सॉस के साथ, कभी फ्यूजन पास्ता ट्राई किया गया? चलिए कुछ नया ट्राई करते हैं, शेजवान पास्ता। पहले हम मैक्रोनी को बॉईल कर लेंगे। इसके लिए हमें चाहिए 2 से 2.5 कप पानी, नमक स्वाद अनुसार, 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल और 1 कप मैक्रोनी। अभी हम इसको मीडियम फ्लेम में उबाल लेंगे। अब देख सकते हो मैक्रोनी पक चुका है। अभी हम इमीडिएटली इसको स्ट्रेन कर लेंगे ताकि वो ओवरकुक ना हो जाए, और फिर इसे ठंडे पानी से धो लेंगे कुकिंग प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए। इसके बाद सारे वेजीज को हम कट कर लेंगे। फिर एक पैन में हम 1 to 2 टेबलस्पून बटर लेके गार्लिक ऐड कर देंगे। और फिर सारे वेजीज को एक के बाद एक ऐड करके सौते करेंगे। अभी व्हाइट सॉस बनाने के लिए 2 टेबलस्पून बटर लेंगे एंड 1.5 टेबलस्पून मैदा लेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर हम इसमें 1 कप दूध लेंगे और अच्छे से फेटेंगे ताकि कोई लम्प्स ना रहे। फिर हम इसमें 3 टेबलस्पून सिजवान चटनी डालेंगे, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। अब देख सकते हो सॉस कितनी क्रीमी हो गया है। अभी हम इसमें सारे वेजीज ऐड करके मिक्स कर लेंगे। नेक्स्ट हम इसमें स्वाद अनुसार नमक और 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर डालेंगे। फिर हम इसमें उबला हुआ मैक्रोनी डाल के एक फाइनल मिक्स कर लेंगे और आपका क्रीमी सेजवान मैक्रोनी तैयार। गर्मा गर्म सर्व कीजिए और एंजॉय कीजिए। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना दीपंस डेलिकेसी में। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। प्लीज़ सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल बटन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे।